सखियों के साथ में शाम सुंदर का उस परिहास का वर्णन कर रहे हैं। यहां पर श्री 307वें पैराग्राफ में कह रहे हैं, श्री प्रिया जी ने उस समय दो पत्रकार भिजवाई श्री ललता जी के पास में, और ललता जी उन पत्रिकाओं को पढ़ करके श्री मधुमंगल को सुवन को प्रदान कर रही है। उन पत्रिकाओं में लिखा हुआ था कि हमने आपके प्रेम के कारण आपके बहुत स्नेह है और घर में कर लेना उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संकोच के कारण हमने अभी तक आपसे कर नहीं लिया, परंतु आपने हमारे वृंदावन की भूमि में, हमारे राज्य की भूमि में, वृंदावन की भूमि में मोती की खेती की है। मोती भी अमूल्य है, इसलिए उस जमीन की कीमत भी अमूल्य है, और अमूल्य होने के कारण उसके ऊपर हमारा जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी अमूल्य है, इसलिए आपने बिना हमारी अनुमति के वृंदावन में जो मानसी गंगा के किनारे काफी जमीन, चार हाथ चार पुरुष खड़े हो जाए इतनी बड़ी जो जमीन है, उस जमीन को लेकर के उस क्यारी में जो मोती बोए हैं और उसमें बहुत मोती उत्पन्न हुए हैं आपके, इसलिए इस जमीन की कीमत भी बहुत है, इसका टैक्स भी बहुत है, तो यदि आप पूरे टैक्स को नहीं दे सकें, कर को नहीं दे सकें, तो एक काम कर सकते हैं, हम मोड ऑफ पेमेंट जो है उसको कहीं ढिलाई करें, आप इन मोतियों को हमको दे दीजिए, यदि हमको मोती की ही जरूरत है, हम मथुरा से मोती खरीदने के लिए जाते हैं, अब आपके यहाँ हो गए हैं तो यहीं के यहीं मोती ले लेंगे, तो आप टैक्स जो है वो टैक्स के मोती उस समय हमको दे दीजिए ललता को, और उससे काम चल जाएगा। श्री शांत सुंदर में एकदम फड़क उठ गए, बोले हमारी जमीन पर हमसे टैक्स, ये वृंदावन पूरा ब्रज हमारी राजधानी है और हमसे कहा जा रहा है कि तुम टैक्स दो, ये श्री राधिका इस वृंदावन की स्वामी कब से हो गई, वृंदावन के स्वामी तो पूरे ब्रज मंडल के स्वामी तो हम हैं, और उस समय श्री प्रियालाल दोनों आपस में अपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री ललता जी ने कहा दो लो, बोलो इन श्याम सुंदर को यह भी पता नहीं है, इनके आंखों के सामने ही तो श्री राधिका का राज्याभिषेक हुआ, परंतु उस राज्याभिषेक को ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ये कैसे। और उस समय श्री ललता जी ने श्री किशोरी जी का जैसे राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक का माने चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री राधिका का जो राज्याभिषेक हुआ, उस राज्याभिषेक की लीला का उस समय मधुर रूप में विस्तार पूर्वक गायन किया। और ये कहा श्याम सुंदर भी उस समय विराजमान थे, श्यामल देवता विराजमान थे, उन श्यामल देवता के वक्षस्थल के ऊपर जो कुमकुम थी, जो कस्तूरी थी, उस कस्तूरी की को लेकर के श्री पौर्णमासी जी ने राधा रानी का पहले अभिषेक कराया, फिर श्रृंगार धारण कराए, श्रृंगार धारण करा करके ऊंचे सिंहासन के ऊपर भी विराजमान हुए, और कोई श्यामल देवता वहां पर विराजमान थे, उनके वक्षस्थल के ऊपर जो कस्तूरी थी, उस कस्तूरी को लेकर के श्याम बंदनी उनके मस्तक के ऊपर श्याम बिंदु लगाई, उनका राज्याभिषेक किया, और सब राधा रानी की जय, वृंदावनेश्वरी की जय घोषणा पूर्वक, और अकेले नहीं, पांच देवियां पहले बुलाई गई थी और छठी देवी और आ गई एक्स्ट्रा, श्री सरस्वती जी, उनकी देवियों की उपस्थिति में, केवल मनुष्यों की उपस्थिति में नहीं, देवियों की उपस्थिति में श्री राधिका का वृंदावन में महाभिषेक हुआ। श्री यमुना वहां पर विराजमान थी देवियों में,
श्री मानसी गंगा वहां पर विराजमान थी, सूर्य की दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया ये दोनों भी विराजमान थी, और एक नंशा श्री यशोदा की पुत्री होकर के जो प्रसिद्ध योग माया, वे एक नंशा भी वहां पर विराजमान थी। और फिर छठी एक देवी और आ गई सरस्वती, तो उनकी उपस्थिति में श्री राधिका का राज्याभिषेक हुआ। शांतिदर बड़े चतुर तुरंत ही कह रहे हैं, बोले हाँ राधिका का अभिषेक हुआ, हमने भी देखा, परंतु इससे ये कहां से सिद्ध होता है कि वृंदावन राधिका का राज्याभिषेक हो गया, वृंदावन राधिका की संपत्ति हो गई, ये कैसे सिद्ध हुआ? बल्कि ये उल्टा यही सिद्ध हो रहा है कि ये सारा राज्य और तुम श्री राधिका भी, राधिका राधिका की सारी सखियां और राधिका का सारा राज्य मेरा ही राज्य है, इससे तो यही सिद्ध हुआ। बोले कैसे? ततो अहम 308वां परिचय शुरू कर रहे हैं, पृष्ठ 86 के, ततो हम वृंदावन पुरंदर से ममैव राज्ञित्वेन मत इंगिते नैव भगवत्या अभिषेक शिक्तेयम्। मैं वृंदावन का पुरंदर हूं, पुरंदर बने इंद्र, मैं वृंदावन का इंद्र हूं, कृष्ण कह रहे हैं, और मेरी ही महारानी के रूप में मेरे ही इशारे से श्री भगवती ने श्री राधिका का भी अभिषेक किया, क्योंकि मेरे वक्षस्थल पर विराजमान कुमकुम से ही श्याम बिंदु इनके मस्तक के ऊपर श्याम बंदनी लगाई गई और राज्याभिषेक किया गया, तो ये तो हमारी पत्नी हुई, हमारी रानी हुई, इसलिए पूरा राज्य हमारा हुआ। तो ये कैसे कह सकती हैं कि इनका राज्य हुआ? श्री विशाखा हंस करके कह रही हैं, बोले भो असंगत भाषिन पुरंदर महर्षि देते ही भगवती। अरे असंगत कहने वाले पुरंदर भगनी जो है माने इंद्र की पत्नी, तो कोई देवी होती है, तुम कह रहे हो कि वृंदावन पुरंदर अस्य वृंदावन के इंद्र, तो पुरंदर भगनी जो है वो तो कोई देवी ही होती है, और इंद्र की पत्नी, और इंद्र की पत्नी जो है वो तो शची है, ये कहां से हुई? इंद्र की पत्नी तो इंद्राणी शची कहलाती है, वो शची रूप में प्रसिद्ध है, वो स्वर्ग में रहती है, परंतु हमारी सखी पृथ्वी पर रहने वाली है, वृंदावन की बिहारिणी है, और वे परम सौभाग्यशाली श्री अभिमन्यु उनकी परिणीता होकर के विराजमान है, ये तुम्हारी रानी कहां से हो गई? ये तो मानसी है, ये कहां से तुम्हारी रानी हो जाएगी? उसमें श्याम सुंदर झगड़ा करते हुए बोले कि अरे तर्काचार्य शिरोमणि शिरोमणि मन्ये, अरे विशाखे तू अपने आप को तर्क की आचार्य करके मानती है। तर्क कहते हैं तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते हेतुना इति तर्क, जहां किसी हेतु के आधार पर किसी वस्तु को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाए उसका नाम तर्क है। तर्क में अनुमान इत्यादि में हेतु देख करके किसी वस्तु की सिद्धि की जाती है, पहले प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद में हेतु, हेतु के बाद में व्याप्ति, व्याप्ति के बाद में निगमन और स्थापना, ये उदाहरण और फिर स्थापना। जैसे पर्वतोयं बंध्यमान, इस पर्वत में आ गए, ये होगी प्रतिज्ञा, पर्वत में कहीं अग्नि है, बोल कैसे जाना? बोल धूमत्वात् धुआं उठ रहा है, ये दूसरा हो गया हेतु। अब तीसरा कारण कि यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बंधी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है, इस साहचर्य नियम का नाम है व्याप्ति। तर्क कह रहे हैं, तर्क किसको कहते हैं? जहां पर पांच वस्तुओं से
कोई वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम कर्म, प्रतिज्ञा हेतु व्याप्ति। फिर निगमन, निगमन का फिर उदाहरण, उदाहरण का तात्पर्य है यथा महानसे। चौथी बात हुई जैसे रसोई, रसोई में हमने देखा वहां पर अग्नि थी तो धुआं था। और पांचवी वस्तु जो हुई वो हुई निर्मल के तस्मात तथा, क्योंकि यहां पर अग्नि धुआं है इसलिए पर्वत में भी कहीं ना कहीं अग्नि विद्यमान है। लो ये इसको कहते हैं तर्क। तो हे तर्काचार्य श्रम मन शोक मणि मंगे, अपने आप को तर्काचार्य की श्रोमणि मानने वाले अभी ललते सुष्टुम सुष्टुम जलासी, तुझको कुछ नहीं आता है, तू जड़ ही है, मूर्खा ही है। यद बारंबारम अधीतम अपि प्रत्यक्ष खंडम खंडनम त्वया विस्मृतमेव, तू बार बार प्रत्यक्ष खंड को भी, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला जो अंश है उसको भी बार बार अध्ययन करने पर भी उस प्रत्यक्ष को भी भूल जाती है। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष का मतलब है कि इंद्रिय का वस्तु से जो संकर्ष है, इंद्रियात् संकर्ष, इंद्रिय का वस्तु के साथ में जो निकटता है उसका नाम है प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, मैं पुष्प का दर्शन कर रहा हूं तो इसमें इंद्रिय, मेरी इंद्रिय और ये फूल, इन दोनों का जो मिलना है वो संयोग, उसका नाम है प्रत्यक्ष। इंद्रिय भी हो फूल भी हो, फूल कहीं विराजमान है अलग है और आंख कहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। इंद्रिय और अर्थ का जो संकर्ष है, इंद्रिया संकर्ष, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तो तुम्हारी इंद्रियों का प्रत्यक्ष हुआ परंतु फिर भी तू उसको भी भूली हुई है। मेरा राज्याभिषेक यहां पर साक्षात हुआ, मैं यहां का मालिक होकर के विराजमान हूं, फिर भी तुम कह रही हो कि इस वृंदावन की रानी, वृंदावन की स्वामी राधिका है, ये कहां की है? प्रत्यक्ष की बात को तुम झुटा करके और मनमानी बात क्यों कर रही हो? तो प्रत्यक्ष खंड भाई, पहले न्याय शास्त्र में सबसे पहले प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष के बाद में फिर अनुमान होगा, फिर अनुमान के बाद में फिर उपमान होगा, उपमान के बाद में फिर शब्द प्रमाण। ये चार प्रमाण या आगे आगे भी और जो प्रमाण है, सबसे अंत में शब्द प्रमाण होगा। तो तुमने प्रत्यक्ष खंड को भी, प्रत्यक्ष का भी तुम खंडन करती हुई विराजमान हो गई हो। विशाखा कह रही है किम तक विस्मृतम, बोले हमने क्या भुलाया? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि यद मत सहचरी मत प्रिय ऐसी नस्या, यद राधिका मेरी सहचरी और आपकी सहचरी श्री राधिका मेरी प्रेसी नहीं होती तो फिर मेरे बक्षस्थल पर स्थापित मत बक्षस्थ आसकाहृत मृग मदेनो, मेरे वक्षस्थल रूपी आसिका जो थाली, उस पर स्थित जो कस्तूरी थी उस कस्तूरी से कथम भगवती ताम तलग्नि चकार, पौर्णमासी जी ने उस कस्तूरी से कैसे तलक किया, इससे ये सिद्ध होता है कि श्री पौर्णमासी जी भी श्री राधिका को मेरी प्रेयसी ही मानती है। फिर दूसरा प्रमाण कि मेरे कंठ में पहनी हुई जो माला थी वैजयंती माला, उस वैजयंती माला को उतार करके श्री पौर्णमासी जी ने फिर राधिका को पहनाया, मेरी प्रसाद माला को पहना था। इन दोनों से सिद्ध होता है कि राधिका तो मेरी ही प्रेयसी है। श्री ललिता जी कह रही है बलिहारी 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 जाऊं आपकी शशिश्रृंग धर अधिक पुरंदर, बोले हे खरगोश के सींग से बने हुए धनुष को धारण करने वाले, हे झूठे इंद्र जी महाराज अलीक पुरंदर, तुम झूठे इंद्र हो। और झूठे इंद्र की श्रृंगार क्या है? बोले खरगोश के सींग से बना, खरगोश के सींग होते ही नहीं,
तो कहां से तो सिंह होंगे और कहां से उसका धनुष बनेगा और कहां धनुष को धारण करने वाला ये अली पुरंदर कहा होगा, तुम सब अली पुरंदर हो, झूठे इंद्र हो। अब झूठे इंद्र को क्या विवेचन किया कि इनकी तो सारा श्रृंगार ही झूठा ही झूठा, झूठे के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो शश सिंहधर अली पुरंदर प्रवत सुहद लेखा व लेखावली कलित पादार विंधाया गंधर्व विद्याधर गणगी मान महावैभवाया आत्मभवापि संस्तुयमान चकताया विविध काम संपत्ति दायिन्या नंदीश्वर गृहिण्या कामार पुरवासिन्या विन्या वास्तव्येक निशयाग्रजाया कामाक्ष नामा श्यामल देवता। तुम अपने आप को कह रहे हो कि श्यामल देवता के भक्षस्थल से कस्तूरी ली गई, वो श्यामल देवता तुम कहां थे? हमने तो कस्तूरी ली थी उस समय श्यामल देवता से ली थी। श्यामल देवता कौन है? बोले श्री कामाक्षा देवी, भगवती कामाक्षा, उनकी जो प्रसादी कस्तूरी थी उस कस्तूरी से इनको तलब किया गया था। जो विंध्यवासिनी श्री कामाक्षा हैं, उनकी अग्रजा, विंध्यवासिनी की अग्रजा जो कामाक्षा देवी हैं, उनका नाम श्यामला देवी है। अब श्री श्यामला देवी कैसी हैं, उनके लिए विशेषण दिए। वो कामाक्षा देवी, श्यामला देवी कौन सी हैं जिनके वक्षस्थल से कस्तूरी ली गई और तलक किया गया कि प्रबल सोहग लेखावली कलित पादार विंदाया, जिन श्री कामाक्षा देवी के चरणारविंद में परम सुंदर कमल इत्यादि चिन्ह विराजमान है, सोहर देखावली से युक्त जिनके पादारविंद हैं, गंधर्व विद्याधर गणों के द्वारा जिनके महावैभव को गाया जा रहा है, आत्मभवापि माने ब्रह्मा जी के द्वारा भी जिनके चरित्र का गायन किया जा रहा है, जो विविध काम संपत्ति दायिनी होकर के विराजमान है, जो नंदीश्वर गृहिण्या नंदी नंदादीश्वर गृहिण्या नंद इत्यादि के जो पार्षद हैं उनकी भी गृहिणी होकर के विराजमान, जो कामारी पर वासना जो कामारीपुर में निवास करने वाली हैं, माने कैलाश में निवास करने वाली हैं, कामारीपुर वासना कामारी माने शिव, उनका पुर अर्थात कैलाश उसमें निवास करने वाली है, और बिंद वास्तव्य एक नंशाया अग्रजाया, और जो बिंद वासनी जो एक नंशा की है उनकी भी बड़ी बहन है। अब ये जितने भी विशेषण दिए सब के सब कृष्ण में लग जाएंगे, ये सारे के सारे विशेषण के गंधर्व विद्याधरों के द्वारा जिनके चरणारविंद की वंदना की जा रही है, जिनके चरणारविंद में कमल श्री कृष्ण में भी लग जाएंगे, जिनके चरणारविंद में कृष्ण कोई कमल का चिन्ह विराजमान है, जो आत्मभवाद संस्तुति मान चरिताया जिनके चरित्र का ब्रह्मा जी भी गायन कर रहे हैं, और जो विविध काम संपत्ति को देने वाली है नंदादीश्वर गृहिण्या, जो नंद इत्यादि जो श्री नंद बाबा उनकी पुत्री उनकी पत्नी श्री यशोदा, उन यशोदा इत्यादि उनके भी प्रिय होकर के विराजमान, उन यशोदा के घर में जो निवास करने वाली है ऐसी, और विंध्यवासिनी एकाग्रजा की बड़ी बहन माने श्री कृष्ण एक निशा के बड़े भाई यही है, कृष्ण में भी विशेष लग जाएंगे, ऐसे कामाक्ष नामक श्यामल देवताया, और कृष्ण का भी एक नाम है कामदेव, क्योंकि 24.5 अक्षर वाला जो कामदेव का मंत्र है कामदेवाय प्रभृति, वो उसके इष्ट देवता काम गायत्री के इष्ट देवता श्री कृष्ण ही है। तो कामाक्ष माने श्री कृष्ण नामक जो श्यामल देवता है उनके प्रसाद को लिया। अब ये कह रही है कि हमने तुम्हारा तो नहीं, हमने तो कामाक्षा देवी के कुमकुम से और कस्तूरी से श्री राधिका का अभिषेक किया,
के द्वारा ही भगवतिया सा विभूषिता हमारी सखी का अभिषेक किया गया था और तिलक किया गया था। कस्तप्त संबंध तुम्हारा वहां से कहां से संबंध आया? श्री तुंग विद्या बोली, बोले अभी सखी ललते तेरे संबोधन बड़ा सुंदर किया इन शान सुंदर का। यद अयम अलीक पुरंदर एवो, ये तो झूठे इंद्र ही है, ये मिथ्या इंद्र है, झूठे इंद्र हैं, अलीक पुरंदर हैं। अब ये अलीक पुरंदर शब्द को लेकर के शान सुंदर की सारी गोपियां हंसी कर रही हैं, उनके साथ प्रयास कर रही हैं। बोले झूठे की तो सारी चीज झूठी होगी, ये तो झूठे इंद्र बन बैठे और झूठे हो गए और इन्होंने अपना नाम इंद्र रख लिया है। श्रूयताम, सुनो सुनो, अस्मि मथुरा प्रदेश, इस मथुरा प्रदेश में याचक द्विज कला विद्धि, विद्वान तो बहुत हैं, मथुरा विद्वानों की नगरी है और विद्वान बहुत हैं, परंतु मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वे जो याचक ब्राह्मण हैं, मानने वाले भाई घाट के किनारे बैठे हुए हैं, कोई यात्री आ जाए भाई हमको कुछ दान दे जाओ दान दे जाओ, तो याचक जो द्विज हैं वे उनकी तो ऐसी दशा है कि वे तो पंचविंशत कपर्ण का मात्र लब्ध है, 25 कौड़ी यदि कोई उनको दे दे तो ये मथुरा के ब्राह्मण तो उसको भी राजा पद भी प्रदान कर देंगे। तो यहाँ पर राजा पत्नी की तो कोई कीमत है ही नहीं, ये ब्राह्मणों को थोड़ी सी दक्षिणा दो अबे बस घोड़ांगा दायन करना शुरू कर देंगे। तो पंचविंशत कपर्ण का मात्र लब्ध है, 25 कौड़ी हमको प्राप्त होंगे इस लोह में, ये ब्राह्मण को किसी को भी पुरंदर बना दे, इनको भी पुरंदर बना दिया है और अपने आप को ये इंद्र मान रहे। महाराज इतनी अधिक संबोधन रही, ओ महाराज पधार रहे हैं, 25 कौड़ी के बदले ये महाराज राज पढ़ा रहे हैं, ये यशोगान ये मथुरा के ब्राह्मण करने लगेंगे। वे तो क्षुद्रतर एक एक ग्रामाध्यक्षों की, एक कोई छोटे से ग्राम का कोई जमींदार है उसको भी महाराज राज कहकर के और उसका यशोगान और विरोध गान करने लगते हैं। ये तो सब खरीदे हुए हैं ब्राह्मण। यथा प्रफुल्ल तो भवति, अब यदि कोई प्रसन्न हो जाए कि आहा हमारे क्या प्रशंसा हो रही है, हमको महाराज कहा जा रहा है, तो जैसे ग्राम का छोटा सा जमींदार अपने आप को ये समझ ले कि मैं तो महाराज हो गया, प्रफुल्लित हो रहा है, ऐसे ही ये भी अपने आप को इंद्र कह रहे हैं कि मैं इस पूरे ब्रज का पुरंदर हूं। तो वृंदावन पुरंदर से मैं वृंदावन पुरंदर हूं, ऐसा अपने आप को मान रहे हैं। अब वे उस गांव के किसी छोटे मोटे जो जमींदार है उसकी बड़ाई करने में कहते हैं, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है, और उनके साथ में शक्राशन अशन दुर्ग भंड भट्टादि बढ़ गई, बस ऐसे जो खुशांति और केवल भिखारी जो ब्राह्मण है उनको तो कोई शक्राशन अशन, शक्राशन कहते हैं भांग, जरा सी भांग घुटवा दे उन्हें, आज हमारी तरफ से ठंडा है बस भांग घुटवा दे, तो शक्राशन माने भांग उसका अशन, उसकी एक गोली इनको मिल जाएगी, इतने नहीं बस प्रशंसा करने लगेगा, आह तुम ही इंद्र तुम ही चंद्र सब कुछ तुम ही हो। तो वे भंड भट्टाद बढ़ गई, उन्होंने अपने नाम के आगे भी भट्ट लगा रखा है और फिर भी भंड भट्ट, केवल बड़ा ही करने वाले अपने आप को भट्ट भट्ट कहने वाले ये भंड भट्ट जो है उन भागों के द्वारा बस इनको उपाधि दे दी गई है। पलई परमित नवनीत मात्र मातुम, केवल वे तो वे हैं जो के पलई परमित एक तोला मात्र, यदि कोई माखन इन मधुमंगल सखी के ये जो भट्टाचार्य इनके साथ में लगे हुए हैं,
कृष्ण के साथ में ये जो मधुमंगल जैसे जो मिथ्या भट्टाचार्य जो लगे हुए हैं उनको बस क्या चाहिए, वे तो एक तोले मात्र माखन बस उनके हाथ में टिका दो और ये बड़ाई करने लगे। तो ये उन्हीं लोगों के द्वारा, ऐसे जो सेवक हैं मधुमंगल जैसे, उनके द्वारा घिरे हुए हैं। तो पलई पंडित नवदी तो मात्र मातु, हमको बस एक तोले भर माखन मिल जाएगा, उसे प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने ऐसे ही माधव ब्राह्मण और कुछ यहाँ के लोग भी मिल गए हैं मधुमंगल जैसे, और उन्होंने इनको वृंदावन पुरंदर, वृंदावन पुरंदर, वृंदावन के इंद्र, वृंदावन इंद्र, ये वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र, ऐसा कहकर के इनको बस चढ़ा दिया है ऊंचा, बांस के ऊपर इनको चढ़ा दिया है, इनको ऊंचा चढ़ा दिया है। और उस समय कृत असंभावन असंभव अनेक संबोधन, इनके लिए ऐसे संबोधन किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र पधार रहे हैं, हट जाओ महाराजाधिराज पधार रहे हैं, ऐसे अनेक संबोधन करते हुए इनकी प्रशंसा की जा रही है। अलिक मन झूठे और सवा भाषे नहीं, वो इनका प्रयास करते हुए निसर्ग अगंभीर एश, ये तो पूरी तरह से अगंभीर कृषि लवो, कृषि लव पूर्ण मात्र नहा, कृषि बलो बाल मात्र नहा, ये कृषि बल होकर के माने किसान जैसे होकर के अपने आप को है, तो किसान पर अपने आप को पुरंदरता मन ले लो, अपने आप को पुरंदर मान रहे हैं और निज जागरूकता है और अपनी ही जागरूकता माने हीनता के कारण, अपनी ही मूर्खता के कारण अमरावती पुरंदरत्व में प्रकृति चकारो दिखा रहे हैं, हम तो अमरावती के पुरंदर हैं, है एक गांव के भी पुरंदर नहीं, अपने आप को दिखा रहे हैं। उस समय तुंग विद्या मुस्कुराती हुई कह रही है, तो नर विद्या स्मृतम अपवाद, अपनी मुस्कुरा को मुस्कुराहट को रोक करके कह रही है कि भो अरे वाह ऐसे कैसे कह रही है, ये तो वास्तव में पुरंदर हैं, जिन्होंने आह देख नहीं रही इनका वैभव, अभी पुरंदर है तो इनका सारा श्रृंगार भी अभी की है, झूठा ही है। झूठा कैसे है, बोले पावन सरोवर जामाल जात जम्बूनर, पावन सरोवर की काई में उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण कहीं होता है क्या कहूं है, पर कहते हैं कि पावन सरोवर नंदगांव का जो पावन सरोवर है, उस पावन सरोवर की जमदाल माने काई में उत्पन्न होने वाली जो घास है, उस घास से उत्पन्न होने वाला जो जम्बू नर स्वर्ण, उस स्वर्ण से सुतार मुक्ता फलादि विविध रत्न ब्रात विरचित महासिंहनोपरि, ऐसे सोने में पुबे हुए और सोने में जड़े हुए मुक्ता फल आदि विविध महारत्न के विचित्र सिंहासन के ऊपर ये बैठे हैं। तो इनका सिंहासन बना हुआ काहे का, बोले ऐसे सोने का बना हुआ सिंहासन है जो घास की कीच में और सेवान में उत्पन्न होता है, जल की घास में उत्पन्न होने वाले जो स्वर्ण उसके तो सिंहासन पर बैठे हैं, असंभव ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सब अनेकता दिखा रहे हैं। फिर सौरव भगवन मदीकृत अरुण भ्रमर कुलो छलित झंकार बन, जब सुगंध से उन्मत्त हुए भोरागण जब झंकार करते हैं तो उसको ही उसके झंकार रव को ही झंकार रव निकल, झंकार रव का जो समूह है उसको ही अनुगम्य मान निर्मल गमन सुख, और उस झंकार के साथ साथ आकाश में कोई फूल खिले हुए हैं गगन पुष्प, उन गगन पुष्पों के द्वारा एक बड़ा सुंदर मुकुट बनाया, अब आकाश में फूल होते नहीं, मुकुट कहां से बनेगा, सब अधिक है, तो
तो आकाश के पुष्पों का इन्होंने मुकुट बनाया है। तो गगन सुमन प्रपंच आविर्भावित मुकुट, उससे सुशोभित हो रहा है, बंधुर हो रहा है जिनका उत्तम आंग माने मस्तक, और इनके ऊपर स्वर चमर कर रहे हैं। बोले राजा के ऊपर तो चमर होती है, यहां पर चमर काय की हो रही है? बोले इनके आनंद पूर्वक सिर के ऊपर स्वर के द्वारा ऐसी चमर की जा रही है जो चमर धृत परिणत कमठ, कोई बढ़ा और कोई बहुत परिणत माने जो युवक हो गया है, ऐसे वृद्ध कछुए की कठोर पीठ के ऊपर उगने वाले जो पंख उगते हैं क्या, उस कछुए की कठोर पीठ के ऊपर उगने वाले जो पक्षीकृत जो पंख उनसे प्रकट, उससे जो चमर हो रहा है वो चमर इनके ऊपर किया जा रहा है। सुरभि और सुधा कणाभि वर्षी, और जिससे अमृत बरस रही है ऐसे प्रवर्तर आत्पत्रस्य, जिनके ऊपर सुंदर आत्पत्र लगाया हुआ है, छत्र लगाया हुआ है, इनका छत्र काय का बना हुआ है, कछुए की पीठ पर उत्पन्न होने वाले साथ गलत गलत बात असंभव बात, कछुए की वृद्ध कछुए की पीठ पर उत्पन्न होने वाले जो पंख, उन पंखों को बीन करके उनसे बड़ा सुंदर इनका छत्र बनाया गया, और उस छत्र के नीचे ये विराजमान है, छत्र लेकर के इनकी सेवा चल रही है, और इनके ऊपर चमर काय की हो रही है? बोल मृष्ण तर करतलो भूत तनुरो, परम कोमल हथेली के ऊपर उगने वाले जो रोम, उन रोमों का चमर बनाया गया। अब हथेली पे कहीं तो रोम उत्पन्न होते हैं क्या? पंतसाव अलीक, ये भी अलीक तो पुरंदर, और इनका श्रृंगार भी सब अलीक, श्रृंगार भी सब झूठा, और ये भी पुली अलीक, वो ही इनके सारे परिकर और इनका सारा श्रृंगार। तो कोमल हथेली के ऊपर उद्भूत होने वाले मिश्रण तर करतल उद्भूत तनुरो प्रकार, जो रोम, उन रोमों के द्वारा रचित चामर द्वयेनो, दो चमर बनाए गए, और उनको लेकर के ये उज्जवल चतुराभ्याम ओहे पाशियो, इनके उज्जवल और चतुर ये दोनों सखा दोनों इनके बगल में खड़े हुए हैं, और उनके द्वारा आनंदे